हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ मॉनिटरी स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि भाई मॉनिटरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, और जितने भी डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटरी स्टैंडर्ड हैं उन्हें हम जानेंगे, और हर एक मॉनिटरी स्टैंडर्ड के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, उसके बारे में मीनिंग क्या होता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी डिटेल। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले टाइम में आपको बहुत ही बेनिफिशियल, यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं मीनिंग ऑफ मॉनिटरी स्टैंडर्ड। भाई मीनिंग ऑफ मॉनिटरी स्टैंडर्ड में सबसे पहली बात कही जा रही है, द टर्म मॉनिटरी स्टैंडर्ड रेफर्स टू द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड मनी यूज्ड इन अ कंट्री। ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो टर्म है मॉनिटरी स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी एक देश के अंदर किस तरीके का स्टैंडर्ड मनी यूज किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं मॉनिटरी स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर से बोले, मॉनिटरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि किसी भी एक देश के अंदर किस टाइप के स्टैंडर्ड मनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं मॉनिटरी स्टैंडर्ड। ठीक है, द स्टैंडर्ड मनी ऑफ कोर्स इज दैट लीगल मनी इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ डिस्चार्जेस इट्स ओन ऑब्लिगेशंस। इन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड मनी क्या होता है, ये एक हिसाब से आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी देश की जो सरकार होती है, जो कोई भी इकोनॉमी है जिसकी जो गवर्नमेंट है, वो उस स्टैंडर्ड मनी को क्या करती है, लीगली इशू करती है, और उसके प्रति वो बाधित भी होती है। बाधित का मतलब आप ऐसे समझिएगा, उसके प्रति उसके कुछ ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं। एग्जांपल के तौर पे, अगर आप 2000 रुपए का नोट कहीं पे भी अपने देश में चलाएं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो कोई लेने से मना नहीं करेगा, इवन गवर्नमेंट भी लेने से मना नहीं करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने खुद एक ऑब्लिगेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए वॉट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क और ड्यूटी इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की एक ऑब्लिगेशन है कि वो एक स्टैंडर्ड मनी को, जिसे हम लीगल मनी कहते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है देश के अंदर, उसके प्रति गवर्नमेंट के खुद के कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, खुद की कुछ ड्यूटीज होती हैं, गवर्नमेंट खुद इशू करती है, रेगुलेट करती है, सारे काम उसी में करवाती है, तो दैट इज स्टैंडर्ड मनी। आगे कह रहे हैं, जो मॉनिटरी स्टैंडर्ड है इज दस सिनोनिमस विद द स्टैंडर्ड मनी अडॉप्टेड बाय अ कंट्रीज मॉनिटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो इंडिया की मॉनिटरी अथॉरिटी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी किसी भी देश की मॉनिटरी अथॉरिटी, जैसे हर देश की अलग एक मॉनिटरी अथॉरिटी होती है, इंडिया में है आरबीआई। तो इन्होंने बोला कि जो मॉनिटरी स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड मनी का एक सिनोनिमस है, मतलब पर्यायवाची है, जो किसी भी देश की जो मॉनिटरी अथॉरिटी है जो अडॉप्ट करती है, मतलब किसी भी देश की मॉनिटरी अथॉरिटी जिस मॉनिटरी स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करती है उसका पर्यायवाची है स्टैंडर्ड मनी। जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड मनी क्या है, रुपीज है। ठीक है, किसने अडॉप्ट किया है, हमारे देश की सरकार आरबीआई मॉनिटरी अथॉरिटी ने अडॉप्ट किया है और इसी को फॉलो करते हैं, और रुपीज में ही सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, सब कुछ होता है। आगे कह रहे हैं, इफ द स्टैंडर्ड मनी हैपेंस टू बी मेड ऑफ गोल्ड ऑफ द कंट्री इट इज सेड टू बी ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बोला कि मान लीजिए किसी भी देश की जो स्टैंडर्ड मनी है वो गोल्ड से बनी है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इफ द स्टैंडर्ड मनी इज ऑफ पेपर द मॉनिटरी स्टैंडर्ड इज रेफर्ड टू एज पेपर स्टैंडर्ड। तो अगर किसी भी देश की जो स्टैंडर्ड मनी है, ठीक है, या मॉनिटरी स्टैंडर्ड है, तो अगर वो पेपर से बना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेपर स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके आगे कहा जा रहा है कि एज मॉनिटरी स्टैंडर्ड इज बेसिकली नेशनल इन कैरेक्टर। जो मॉनिटरी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मनी है, वो नेशनल इन कैरेक्टर है। नेशनल इन कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की जो करेंसी होती है वो उसी देश तक लिमिटेड होती है, वो इसी देश में इशू की जाती है, उसी देश में सर्कुलेट की जाती है, उसी देश में रेगुलेट की जाती है, उसी देश में उसमें अकाउंटिंग होती है, मनी ऑफ अकाउंट होता है। तो दैट इज नेशनल इन कैरेक्टर, कि हर देश की जो मॉनिटरी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मनी है, वो नेशनल होता है। जैसे अमेरिका का यूएस डॉलर जो है वो वहीं पे है, इंडिया में आप डॉलर में अकाउंटिंग नहीं करते हो। ठीक है, तो इन्होंने और उस देश के सरकार का नाम, गवर्नर का साइन, ये सारी की सारी चीजें हर देश की अपने करेंसी नोट्स में होती है। तो इन्होंने बोला कि जो मॉनिटरी स्टैंडर्ड है वो बेसिकली नेशनल इन कैरेक्टर है, सिंस इट इज इंटेंडेड बाय द मॉनिटरी अथॉरिटी टू केटर टू द इंटरनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि ये मॉनिटरी अथॉरिटी, इंडिया की मॉनिटरी अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा केटर की जाती है, साथ ही साथ देश की इंटरनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा का पूरा ये लोग फुलफिल करते हैं।
In question is so far as it provides a medium of exchange and measure of value within the borders of the country. अब question ये है, question का मतलब आप answer भी ये कह सकते हो कि ये किया क्यों जाता है, सवाल ये है कि ये क्यों है. तो इसका जवाब ये है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एक देश के अंदर medium of exchange और measure of value की जो सुविधा है वो provide की जा सके monetary standards द्वारा, ठीक है. और ये कंट्री की बात की जा रही है तो दैट इज ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है. आगे कह रहे हैं बट द मॉनिटरी स्टैंडर्ड हैज आल्सो इट्स इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स. जो मॉनिटरी स्टैंडर्ड है उसके इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स भी हैं. इट हैज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल पेमेंट्स. उस मनी के पास इतनी पावर है कि वो इंटरनेशनल पेमेंट्स को वो क्या कर सके, पेमेंट को फैसिलिटेट कर सके, ठीक है. मॉनिटरी स्टैंडर्ड, जैसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड होता था तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट गोल्ड में कर सकते थे, कोई भी सामान परचेज करना है गोल्ड में कर सकते हैं, कोई भी सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बदले में गोल्ड में आप पेमेंट ले सकते हो, ठीक है, आप समझ रहे हैं. इन्होंने आगे कहा कि एक साउंड मॉनेटरी स्टैंडर्ड के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें पहला है टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन कंट्रीज इंटरनल वैल्यू और द इंटरनल प्राइस लेवल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है उसके दो ऑब्जेक्टिव है. पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी एक देश के जो इंटरनल प्राइस लेवल है उसे मेंटेन करना, या इंटरनल वैल्यू जो करेंसी की है उसे मेंटेन करना. अगर इंडिया के अंदर इंडिया की करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएट करेगी तो देश के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्राइस लेवल फ्लक्चुएट करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आएगी, ठीक है. तभी आपने देखा होगा कि कोई चीज है जिसकी कीमत एक एक डेढ़ डेढ़ साल चेंज नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि मनी की वैल्यू घटे नहीं और ना ज्यादा बढ़े, क्योंकि ज्यादा बढ़ेगा घटेगा तो किसी भी एक वस्तु की कीमत लंबे समय तक सेम नहीं रहेगी. आप जितने रुपए में डील करके आओगे जब तक पेमेंट करना होगा तो वैल्यू बढ़ घट जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो सबसे पहली चीज क्या है कि मनी की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि एक डॉलर अगर 70 रुपीज है तो लंबे समय तक वो 70 रुपीज ही होना चाहिए, वो 72, 74 ना हो ना 68, 65 हो, ठीक है. तो ये मेंटेन करना, तो यहीं से तो प्राइस स्टेबिलिटी आती है क्योंकि आप पैसे से ही तो चीजें खरीदते हो. दूसरा गैरेंट टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन करेंसीज एक्सटर्नल वैल्यू, दैट इज इट्स एक्सचेंज वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज. तो दूसरा यही है, पहला तो प्राइस लेवल मेंटेन करना, दूसरा कि फॉरेन एक्सचेंज, भाई दुनिया में बहुत सारे लोग फॉरेन एक्सचेंज खरीदते हैं और बेचते हैं, उसमें भी ट्रेडिंग करते हैं. आप फॉरेन एक्सचेंज खरीद रहे हो ताकि आप इंपोर्ट करा सको, आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत इसलिए क्योंकि अमेरिका तो सीधा सीधा यही बोलता है कि अगर आप हमसे कोई सामान खरीद रहे हो तो आपको अमेरिकन डॉलर में पेमेंट करना है, और जब आप अमेरिकन डॉलर में पेमेंट करोगे तो करने से पहले आपके पास अमेरिकन डॉलर होना जरूरी है, और अमेरिकन डॉलर अब आप क्या करोगे, खरीदोगे, तो वो अमेरिकन डॉलर बेच के भी पैसे कमा रहे हैं प्लस अपना सामान भी बेच करके पैसे कमा रहे हैं. देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं कितने इंटेलिजेंट है वो लोग. टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन करेंसीज एक्सटर्नल वैल्यू, इट्स एक्सचेंज वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मॉनिटरी स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉनिटरी स्टैंडर्ड कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ चार्ट बिलो, ठीक है. मॉनिटरी स्टैंडर्ड सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइडेड है, मेटालिक स्टैंडर्ड, दूसरा है पेपर करेंसी स्टैंडर्ड. अभी ज्यादातर देश में पेपर करेंसी स्टैंडर्ड चल रहा है, इसके बारे में भी हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे. मेटालिक स्टैंडर्ड में इन्होंने बोला मोनोमेटलिज्म, जो एक मेटल से बनता है, मोनो का मतलब सिंगल होता है, ठीक है. मोनोमेटलिज्म, अगर गोल्ड के कॉइन है तो सिर्फ गोल्ड के कॉइन चल रहे हैं, सिल्वर का कॉइन है तो सिर्फ सिल्वर का कॉइन चल रहा है, सिर्फ एक ही चलेगा. अगर अमीर देश है तो गोल्ड के कॉइन प्रिवेल करेंगे, और अगर कोई गरीब देश है, कंपेरेटिवली गरीब देश है, तो वहां सिर्फ सिल्वर के ही कॉइन चलेंगे. बायमेटलिज्म में क्या होता है कि गोल्ड और सिल्वर के कॉइन साइमल्टेनियसली चलते हैं, मतलब बड़ा पेमेंट करना है तो गोल्ड में पेमेंट कर सकते हो, छोटा पेमेंट करना है सिल्वर में कर सकते हो, दोनों सिक्के साथ ही साथ एक इकोनॉमी में चलेंगे. लेकिन मोनोमेटलिज्म में सिर्फ एक ही चलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ सोने का सिक्का ही चलेगा, या तो सिर्फ और सिर्फ सिल्वर का ही सिक्का चलेगा. अब मोनोमेटलिज्म में सिल्वर स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड में भी दो पार्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में इन्होंने बोला है गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड. इनडायरेक्ट में बोला गया है गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड, पैरिटी का मतलब होता है बराबरी, इक्वल, ठीक है. और दूसरा है गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड. आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इन सारी चीजों को एक एक करके कवरअप करेंगे. उम्मीद है कि मीनिंग ऑफ मॉनिटरी स्टैंडर्ड क्या होता है आपको आइडिया लग गया होगा और ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट. ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस.